तो कल रात मैं रुका था छत के ऊपर, उसके ऊपर सोया था कल रात, तो नींद अच्छी आई क्योंकि तो भैया रात हो गई है, अभी भी 50 किलोमीटर बचा है, पर अभी गाड़ी दोबारा हमारी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी गाड़ी को। और इधर ये है इंडियन ओशन और पानी क्या ब्यूटीफुल पानी है, शैलो वाटर है, बिल्कुल ग्रीन, डार्क ग्रीन, यहाँ पे डार्क ग्रीन है, वहाँ पे बिल्कुल ब्लू ग्रीन, वाओ लव। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रदीप राणा, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अभी मैं बैठा हूँ कार में, देखो कार में हूँ और साइकिल पूरी खुली पड़ी है, साइकिल एक्चुअली अभी कार में मैं जा रहा हूँ चिमोयो से 60 किलोमीटर पे, क्या पड़ता है भाई जी, इंसॉप है, एक जंक्शन है जहाँ से बेरा और मपूटो के लिए रास्ता कटता है। तो अभी मुझे छोड़ने के लिए हमारे तुर्शीद भाई आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे ड्राइवर भाई हैं, तो अभी पहुँचने वाले हैं इंसॉप, वहाँ से फिर मैं कोई ट्रक ढूंढूंगा। एक्चुअली हमने ट्राई किया चिमोयो से कोई ट्रक ढूंढने का, बट चिमोयो में कोई ट्रक मिला नहीं जो डायरेक्ट जाता हो मपूटो, सब वाया बेरा होके जाते हैं लोड करके। तो चलते हैं अभी, देखते हैं ट्रक मिलता नहीं मिलता है, फिर निकलते हैं मपूटो की तरफ। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रुसापे में, ये ट्रक ये रोड जाती है सीधा मपूटो की तरफ, तो यहाँ पे ट्रक खड़े हैं जो ये मपूटो से आए हैं, और ये सामने ट्रक है जो जा रही है शायद मपूटो, और ट्रक आएंगी अभी, तो अभी हम पूछने जा रहे हैं क्या है, हमको ले जाएंगे। दोस्तों ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम जाने वाले हैं मपूटो, हाइनो, छोटा ट्रक है, तो 1200 किलोमीटर सफ़र तय करना है इसमें, ये इसमें ख्याल से कल शाम तक पहुँचेगा, तो चलते हैं अभी, तो मेरे ख्याल से 11-12 बज गए हैं ऑलरेडी। साइकिल लोड कर दी है ट्रक में, ये कुछ सामान पड़ा है इसके अंदर, यहाँ पे बतख भी है, बकरी भी है, बेचारे साहब जाने हैं 1200 किलोमीटर तो मपूटो, चलो निकल। दोस्तों गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी पेट्रोल डला रहे हैं यहाँ से, क्योंकि लंबा सफ़र है, पेट्रोल एक ही बार डलाएंगे फिर निकलते हैं आगे तरफ। ये मेरे साथ में मेरे वो हैं जो मेरे साथ जाने वाले हैं मपूटो, हेलो माय फ्रेंड, ओला, कोमो एस्टास, यू स्पीक इंग्लिश? नो। पोर्चुगीज? आई नो स्पीक पोर्चुगीज, नो आई स्पीक इंग्लिश। व्हाई? बिकॉज आई एम ट्रैवलर ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई आई डोंट नो पोर्चुगीज, आई ओनली नो ओला कोमो एस्टा ओब्रिगाडो। दोस्तों अभी गाड़ी रुकी है, लंच कर लेते हैं, तो कुछ राइस और चिकन 180 मेडी कैश का है, खाना भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, अभी चलते रहेंगे, शाम के 3-4 बज गए हैं। आई वॉन्ट टू चेक माई साइकिल बाइसाइकिल माई फ्रेंड, कैन यू हेल्प मी? ओके, ओ माई गॉड, उड़िया रे रे, रुके रुके रुके, साइकिल सही है, ओ माई गॉड। दोस्तों ये छोटा टाउन है, यहाँ पे मैं रुका था खाना खाने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे अनानास मिल रहे हैं। हाउ मच? 100। दोस्तों मैंने खाना खा लिया है और मैंने ये लिया है 100 मेडी कैश का, ये है कैश्यू, भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैंने ये ले लिया है। दोस्तों 9 बज गए हैं, रात हो गई है, तो अभी मैं ट्रक के अंदर ही हूँ। एक्चुअली क्या है कि 9 बजे के बाद यहाँ पे मोजाम्बिक में गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, तो इन्होंने आगे से पुलिस वालों ने वो लगा दिए, बैरियर लगा दिए हैं, तो ट्रक रुक चुकी है। सुबह 6 बजे खुलेगा, ये 6 बजे निकलेंगे, अभी बचा है 700-800 किलोमीटर और बचा है, तो लगेगा एक दिन दो दिन और लगेगा, शायद कल पहुँच जाएँ। देखो ओहो, बहुत थक गया हूँ आज, दिन भर बैठे बैठे सर दर्द हो गया भाई, और रास्ता इतना गंदा रास्ता है ना, इतना गंदा रास्ता मत पूछो भाई, 200-300 किलोमीटर होता था तब तो झेल लेते, पर 1200 किलोमीटर भाई, 1200 किलोमीटर मतलब सबसे गंदी रोड है, 9 कंट्रीज में सबसे गंदी रोड मैंने यही देखी, बस रोड है ही नहीं, बिल्कुल गड्ढे 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 गड्ढे। दोस्तों सोने के लिए फिर आज मैं ये जो ट्रक है, ट्रक की छत में सो रहा हूँ, अभी तो रात है, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो कल सुबह आपको दिखाई देगा मैं कहाँ पर सोया हूँ, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। दोस्तों 10 बज गए हैं, अभी नाश्ता पानी करने के लिए हम रुके हुए हैं, कल रात मैं रुका था छत के ऊपर, उसके ऊपर सोया था कल रात, तो नींद अच्छी आई क्योंकि मैं बीच के पास हूँ, तो ना गर्मी ना ठंडी, अच्छी नींद आई। और अभी निकल रहे हैं यहाँ से मपूटो की तरफ, मपूटो दूर है अभी, देखो कब तक पहुँचते हैं, और गर्मी भी होने लग गई है। ओ भाई, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, हेलो माई फ्रेंड,
व्हाट इज योर नेम? एरिक। एरिक, तो ये हमारे एरिक भाई हैं, ये हमारे ड्राइवर है जो मुझे ले आ रहे हैं। 2000 रुपये ले रहे हैं, पर कोई नहीं, अच्छे बंदे हैं बहुत। कोई मुझे शर्म होने के लिए कुछ नहीं बोला, सो जाओ बोला मस्त। और मेरे फ़ोन में भी सिम कार्ड में दिक्कत आ रही थी, वो भी चेक किया। नाइस गाय। दोस्तों अभी लंच किया, अभी रुके हैं फ्यूल करने के लिए, क्योंकि दोबारा से फ्यूल चाहिए। कल एक बार भरा था, एक दोबारा दूसरी बार भर रहे हैं। तो अभी है 500-500 किलोमीटर और है भाई, बहुत दूर है यार। लगा लो अभी 500 मतलब कि लगेंगे अराउंड 7-8 घंटे। अभी 1-2 बज गए हैं, शाम को 3-4 शाम रात को पहुँचेंगे 9-10 बजे तक। बट अच्छी बात यह कि हमारे मितेश भाई हैं वहाँ पे, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, कोई भी लेने आ जाएंगे बोल रहे थे, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मितेश भाई को थैंक यू। दोस्तों ये है इंडियन ओशन, वाओ ब्यूटीफुल माय फ्रेंड। तो दोस्तों देखो, समुद्र है, बहुत सारा समुद्र है यहाँ, ये नदी मिलती है। तो ये लोग मेरे गाइड हैं, मुझे बता रहे हैं जगह जगह में जो लोकेशन है। दोस्तों देखो, ये नदी है और इधर ये है इंडियन ओशन, और पानी क्या ब्यूटीफुल पानी है, शैलो वाटर है, बिल्कुल ग्रीन, डार्क ग्रीन। यहाँ पे डार्क ग्रीन है, वहाँ पे बिल्कुल ब्लू ग्रीन, वाओ लव ब्यूटीफुल। दोस्तों गाड़ी होगी ख़राब, 4 बज गए हैं, तो गाड़ी दोबारा उठाएंगे। कल रात भी एक्चुअली 9 बजे गाड़ी ख़राब हो गई थी। आज ये गाड़ी चल चुकी है अराउंड 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर, हाँ, क्योंकि कल चली थी 300-350 किलोमीटर चली थी, आज 800-850 किलोमीटर चल चुकी है। ये हाइनो की गाड़ी है, हाइनो चाइनीज़ कंपनी, जापानी कंपनी है, पर फिर भी बहुत अच्छा चलती है भाई। ये बड़ी बड़ी ट्रक हैं, बहुत भागती हैं। दोस्तों गाड़ी दोबारा ख़राब हो गई है, एक्चुअली दिक्कत कल से ही आ रही है, कुछ फंस रहे हैं, कुछ वो ऑयल नहीं पहुंच रहा है पाइप में। दोस्तों दूसरी बार गाड़ी सही होगी हमारी, आप देखो क्या होता है, चलती नहीं चलती है। आई होप पहुँच जाओ मोपोटो जल्दी जल्दी। भैया चौथी बार ट्रक ख़राब हो गया कल से, क्या करें, अभी है 70-80 किलोमीटर और भैया ये ट्रक जाएगा नहीं जाएगा समझ नहीं आ रहा। ओ माई गॉड। तो भैया रात हो गई है, अभी भी 50 किलोमीटर बचा है, पर अभी गाड़ी दोबारा हमारी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी गाड़ी को। रुक रुक के हर आधे घंटे में गाड़ी ख़राब हो रही है। सही कर रहे हैं, जा रहे हैं ऐसे करके चल रहे हैं भाई, पता नहीं कब पहुँचेंगे, दिमाग ख़राब हो गया सब। पर शिट दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, अभी हम पहुँचने वाले थे टाउन मपूटो सिटी में, पर 40 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक इमिग्रेशन का ऑफिस है, उन्होंने गाड़ी चेक की, मुझे देख लिया। अब मैं पहले तो आ ही रहा था, सब कुछ देख ही रहे थे पुलिस वाले, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे इमिग्रेशन वाला बोल रहा है कि अलाउड नहीं है ये, तुम अलाउड नहीं हो इसमें ट्रक में, क्योंकि यहाँ पे बस दो ही बंदे बैठने चाहिए, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, तुम नहीं बैठने चाहिए। अब मैंने कहा कि मैं लिफ्ट लिया, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, मुझे लिफ्ट चाहिए थी। तो बोला कि नहीं, तुमको नहीं, तुम नहीं बैठा था, उसने रोक लिया, पासपोर्ट ले लिया है। तो अब वो लेके बैठा है, तो अब दिमाग ख़राब हो गया। अब आधे घंटे से खड़े हैं, अभी वो भाई जी को कॉल किया है, वो भाई जी आ रहे हैं वहाँ से, अभी मितेश भाई आ रहे हैं, देखो क्या होता है, उसको समझ नहीं आ रहा। तो अभी देखो, अभी खड़ा हूँ, ये हाईवे देखो सामने, और वो ऑफिसर वो लेके गया है पासपोर्ट, अभी क्या आउटकम होता है बताता हूँ आपको सब आज। दोस्तों फाइनली अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, ये हमारे भाई जी हैं, हमारे मितेश भाई हैं, ये गुजरात बड़ौदा से हैं। तो अभी एक्चुअली सब कुछ मैंने आपको बताया, जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि वहाँ पे मैं वो इमिग्रेशन वाले ने रोक गया था, दिक्कत कर दी थी। इसके अलावा बहुत कुछ होने के बाद, आधे घंटे रुकने के बाद, कि मितेश भाई टाउन से वहाँ आए, 40-50 किलोमीटर आए, अभी फाइनली हम जा रहे हैं टाउन की तरफ। तो अभी हम मपूटो तरफ जा रहे हैं,
तो जो भी हुआ वो तो छोड़ो, मतलब कि निकल गए वहाँ से, जो भी हुआ मतलब कि उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे रूल है ना, अलाउड नहीं है यहाँ पे, मतलब कि तुम जो भी कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसमें तुम बैठ नहीं सकते हो टूरिस्ट वीज़ा पे। तो उस इसी बात पे अड़ गया बंदा, उसने रोक दिया मुझे। तो उसने फिर रोकते रोकते फिर उसने कुछ रुपए वे लिए, वैसे करके बात छुड़ाई, भाई जी ने कॉल वॉल करवाया जरा, फिर निकल गए यहाँ से। तो मेरा मन तो था कि अगर मैं अकेला होता मैं तो भाई जी मेरा मन कह रहा था अकेला होता मैं तो बोलता मैं जो करना है करो, नहीं पर ये कि चलो जो भी है निकल गए। तो अभी हम जा रहे हैं टाउन में भाई जी के घर को, और ये टोल बूथ है यहाँ का और मपुड़ा टाउन, देखते हैं कैसा है। मुझे तो ये जैसे वो है ना भाई दारेसलम भी ऐसा ही था, दारेसलम का पोर्ट टाउन ना। तो अभी रात है, अभी आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, पर अभी कुछ टाइम यहाँ पे रहेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाएंगे यहाँ का। 10 बज गए ना भाई, इतना लेट हो गया। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इधर क्या है, मोजाम्बिक में हर सिटी में आपको ये स्ट्रीट लाइट्स पक्का मिलेंगे है भाई जी। मलावी में लाइट इसी आती है क्या? यहाँ से कुछ पार्ट्स में यहाँ इतना देखो ना बढ़िया दोस्तों, ये कुछ नज़ारा है रात का मपुटो शहर का, जोरिया मॉल, जोरिया ये सब मॉल वगैरह, और ये सब मेरा फाइव स्टार ये चाइनीज होटल है ये तो। हाँ, फ्रंट ऑफ बीच व्यू। वाह, ये तो कोई फाइव स्टार होटल है ना भाई जी। इसका एक सूट है जो 15,000 का। ग्लोरिया होटल, चाइनीज होटल, ये क्या है पीछे? ये रेडिसन ब्लू। अच्छा, रेडिसन ब्लू है। दोस्तों ये कुछ नज़ारा है मपुटो का, आई होप आपको दिन में ज़्यादा बेटर दिखा पाऊंगा मैं, पर रात का नज़ारा भी बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ शॉर्ट्स लूँगा मैं, अच्छे रील्स बनाएंगे यहाँ। दोस्तों आ गए हैं मिथेश भाई के घर में, और ये है अंडा कड़ी, और ये क्या है, चिकन कड़ी? नहीं, चिकन बटर चिकन। बटर चिकन, ओके ठीक है, थैंक यू। बस जा दीजिए, ये मिथेश भाई की वाइफ हैं आप। हेलो, थैंक यू वेरी मच खाना बनाने के लिए और सब। तो कुछ दिन अभी हम यहाँ रुकेंगे तो आपको अच्छे से मिलाएंगे फैमिली से, अभी तो हम बस फटाफट ही थके हारे आ रखे हैं तो कड़ खाना खा लेते हैं। भाई जी कम डालना, दो जितना हो सके। बस 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 ठीक है, आप लीजिए। तो फटाफट खाना ना खाते हैं फिर बात करते हैं। एक्चुअली आज का ब्लॉग मैं ये एंड करता हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं थक गया हूँ ऑलरेडी, तो मैं आराम करूँगा। तो कल टाउन एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नई चीज़ें देखेंगे मपुटो शहर में, मैं आपको दिखाता हूँ नया कंट्री। तब तक के लिए बाय।